हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोमास के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन और एवेबिलिटी के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो और सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, प्लीज मेरे चैनल पर जरूर जाइए, एक बार जरूर देखिए उसको। अब देखिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैंने साइकिल दिखाया हुआ है, बायोमास एनर्जी का साइकिल जो है। बेसिकली क्या होता है, ट्री और प्लांट्स के हेल्प से हम लोग जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं उसका यूज करते हैं हम लोग बायोमास में, और उसे बायोमास पावर प्लांट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। फर्दर वहां से जो कार्बन रिलीज होता है उसी कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है ट्रीज और प्लांट्स, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं और ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस तरह से साइकिल चलते रहती है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि जो प्लांट्स है हम उसको ग्रो कर सकते हैं और हमारा साइकिल चलता रहेगा। अब देखिए बायोमास का थोड़ा सा डिटेल हम लोग इसमें देखेंगे। बायोमास इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो प्लांट्स और एनिमल से बना होता है, और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बिकॉज हम अधिक से अधिक प्लांट्स और ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं और उससे जो वेस्ट निकलता है उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक तरह से एग्जिस्ट करेगा ही, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स विच मेक मिलियन ऑफ ईयर टू क्रिएट। इसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। जो कोयला बनता है, पेट्रोलियम या जो भी जीवाश्मी ईंधन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बनने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं। जब हम बर्न करते हैं इसको, तो इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है बायोमास में, वो बेसिकली हीट रिलीज करती है। वुड वेस्ट और गार्बेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बर्न्ड टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी और टू प्रोवाइड हीट टू इंडस्ट्रीज एंड होम। वुड वेस्ट या गार्बेज जो है उसको हम लोग बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको बर्न करके बेसिकली हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और उस स्टीम को हम लोग फर्दर टर्बाइन के ब्लेड्स पे देते हैं। टर्बाइन के ब्लेड्स रन करती है और वहां से वो कपल्ड होता है बेसिकली जनरेटर से, और जहाँ से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। या तो उसको हम लोग हीट के लिए भी यूज कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज और होम्स के लिए। बर्निंग बायोमास इज नॉट द ओनली वे टू रिलीज इट्स एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर यूजेबल फॉर्म्स लाइक मीथेन गैस और फ्यूल सच एज एथेनॉल एंड बायोडीजल। जो बर्निंग बायोमास है वही एक तरह से एक वही तरीका नहीं है एनर्जी रिलीज करने का, बल्कि इसको हम लोग मीथेन गैस या फ्यूल सच एज एथेनॉल और बायोडीजल में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। बायोमास को हम लोग एथेनॉल या बायोडीजल में चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो इस पे काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुआल जो एक्स्ट्रा होता है उससे हम लोग, या फिर जो गन्ने का गन्ना यूज करने के बाद जो उसका बचता है रेसिड्यू, उसका यूज करके हम लोग कहीं ना कहीं एथेनॉल प्रोड्यूस करें, और उसका यूज हम लोग बायोडीजल बनाने में भी कर सकते हैं, और उसका यूज हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए, एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए पूरा कर सकते हैं। बायोमास प्लांट इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्जन ऑफ फर्मेंटेबल ऑर्गेनिक मैटर इन पर्टिकुलर कैटल डंग इनटू कंबस्टन गैस एंड फुली मैच्योर्ड ऑर्गेनिक मैनर। अगर हम पर्टिकुलर कैटल डंग की बात करें तो ये क्या होता है, कंबस्टिंग गैस में कन्वर्ट कर हो जाता है और फुली ऑर्गेनिक मैन्योर भी चेंज हो जाता है। तो उस मैन्योर का हम लोग यूज भी करते हैं। जो गैस प्लांट आपके यहाँ लगा होता है, बहुत सुना होगा बायोगैस प्लांट लगा है बहुत जगहों पर, अभी तो इतना नहीं यूज हो रहा है, लेकिन पहले एक बार बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में था। द मेन कोर्स सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस आर, बायोगैस के जो मेन सोर्सेस है जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है वो कैटल डंग है। जो भी गाय भैंस है उसका जो डंग होता है उसका यूज करते हैं हम लोग। नाइट सॉइल, पोल्ट्री और पिगरी ड्रॉपिंग्स, जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग से भी जो रेसिड्यूज बनते हैं उस सब का भी यूज किया जाता है। दीज मटेरियल्स आर कन्फाइंड इन ए प्लेस आउट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ बैक्टेरिया विच कन्वर्टेड कार्बन हाइड्रेट प्रोटीन फैट इंटू वोलाटाइल एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली जो ये मटेरियल है उसको हम लोग एक कन्फाइंड प्लेस पे रखते हैं, और वहाँ पे इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट से इसको दूर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहाँ जनरेट हो जाती है, और वो जो भी कार्बन हाइड्रेट प्रोटीन फैट्स होते हैं उसको बेसिकली कन्वर्ट कर देती है वोलाटाइल एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में।
तो ये इस तरह से हम लोग बेसिकली इसका यूज करते हैं। वाइल बायोमास इज ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एल्गी एनिमल्स इटीसी। जबकि बायोमास जो है ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट से एल्गी से और एनिमल से प्राप्त किया जाता है। बायोमास एनर्जी रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, बायोमास के जो एनर्जी है उसके मेरिट्स और डिमेरिट की हम लोग रिलेटिवली और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं। इट हैज बीन वेरी हाई कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग बायो एनर्जी थ्रू प्लांटेशन इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। देखिए जो जो हमारा एक तरह से बायो एनर्जी है इसका वेरी हाई कॉस्ट होता है। हाई कॉस्ट क्यों होता है? क्योंकि प्लांटेशन के हेल्प से अगर आप इसको एक तरह से निकालेंगे तो काफी टाइम तो नहीं लगता है, मतलब आप वहां से यूज कर सकते हो, लेकिन जो आपका फॉसिल फ्यूल है वो तो पहले से अवेलेबल है नेचर में, तो उससे जो एनर्जी मिलती है हमको उसके कंपेरिजन में काफी लंबा प्रोसेस भी होता है और काफी डिफिकल्ट भी होता है। और क्योंकि इस पे बहुत सारे रिसर्च अभी किए जा रहे हैं तो अभी इतना हम लोग इसके यू टू नहीं है, जबकि वो फॉसिल फ्यूल्स वाला जो है वो कन्वेंशनल है। प्लांट्स इंश्योर्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंबस्टन ऑफ बायोमास डज नॉट कॉज SO2 एयर पॉल्यूशन सिंस द कंटेंट ऑफ सल्फर इज वेजिटेबल इज वेरी लेस देन 0.1%। जो कंबस्टन गैस है वो बायोगैस वो SO2 एयर पॉल्यूशन को एक तरह से रिड्यूस नहीं करता है, एक तरह से पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता जो SO2 एयर पॉल्यूशन है उसको, क्योंकि जो हमारे वेजिटेबल है उसमें लेस देन 0.1% ऑफ सल्फर प्रेजेंट होता है, तो एक तरह से ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। ग्रोथ ऑफ बायोमास कंज्यूम्स मोर CO2 देन इज रिलीज ड्यूरिंग कंबस्टन बिसाइड प्रोड्यूसिंग द एटमोस्फियर प्यूरिफाइंग ऑक्सीजन एज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बेसिकली जो बायोमास का ग्रोथ होता है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में CO2 एक तरह से कंज्यूम करता है इन कंपेरिजन टू जितना वो रिलीज करता है ड्यूरिंग कंबस्टन जब हम उसको जलाते हैं। ठीक है, तो ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एटमोसफेयर को प्यूरिफाई करता है और हमको अधिक से अधिक ऑक्सीजन देता है। बायोमास इज ए पेरेनियल एंड लो पोल्यूटिंग टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट्स बाय प्रोडक्ट आर कैपेबल ऑफ बींग रिसाइकल्ड। बायोमास जो है बेसिकली एक तरह से लो पोल्यूटिंग टाइप ऑफ एनर्जी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये इसके मेरिट से डिमेरिट क्या देखते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन एंड नीड टू रिमूव इट एट पीरियोडिक लेवल्स इंटरवल्स। बेसिकली जो पाइपलाइंस होती है वो जहाँ से हम लोग इसको चेंज कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस होता है चेंज करने का, तो पाइपलाइंस में बेसिकली वाटर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग एक पीरियोडिक इंटरवल पे उसको साफ करना पड़ता है। इन इफेक्टिव डिजाइन ऑफ गैस अप्लायंसेस, जो गैस अप्लायंसेस होते हैं उसकी जो डिजाइनिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। सीजनेबल वेरिएशन इन गैस प्रोडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल एंड पुअर इंसुलेशन ऑफ प्लांट। देखिए हमारे यहाँ जो एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करने की डिवाइसेस लगी होती है उसमें, तो उसमें जो गैस का प्रोडक्शन होता है तो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसमें सीजनली वेरिएशन होते रहता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऑन एब्सोल्यूट बेसिस द कॉस्ट ऑफ बायोमास एनर्जी फाउंड टू बी जनरली देन ए कोल बेस्ड प्लांट। और बायोमास एनर्जी का जो जनरली देन ए कोल बेस्ड प्लांट ऑन एब्सोल्यूट बेसिस द कॉस्ट ऑफ बायोमास एनर्जी फाउंड टू बी जनरली देन ए कोल बेस्ड प्लांट। हाँ, कोल बेस्ड प्लांट से थोड़ा सा इसका ज्यादा होता है जो कॉस्ट है, तो थोड़ा सा कॉस्टली भी है जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये था आपका बायोमास का इंट्रोडक्शन और एबिलिटी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दिए मेरे यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।